देश में महंगाई इन दिनों सबसे ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। मोबाइल रिचार्ज से लेकर नींबू तक के भाव आसमान छू रहे हैं। वहीं डीजल पेट्रोल के दाम तो दिन ब दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बीच एक और महंगाई की मार मिडिल क्लास पर पड़ी है। जी हाँ, सही सुना आपने, निजी ऑटो कैब से चलना अब बेहद महंगा हो गया है, क्योंकि ओला उबर ने अपने किराए में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब में पड़ने वाला है। कैब कंपनियों ने दिल्ली NCR में किराया बढ़ाने का फैसला किया है। ओला उबर जैसी शीर्ष ऐप बेस्ड कंपनियों ने 12% तक किराए में बढ़ोतरी की है। दिल्ली NCR में बड़ी संख्या में इन कैब का इस्तेमाल किया जाता है। कामकाजी वर्ग इसका लाभ लेता है, लेकिन बढ़ी हुई कीमतों ने इस वर्ग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उबर कंपनी ने एक बयान में बताया कि ईंधन तेल की बढ़ती कीमतों ने चिंता पैदा कर दी है। इसे देखते हुए कंपनी आगे जरूरी कदम उठाएगी। उबर कंपनी के इंडिया और साउथ एशिया के सेंट्रल ऑपरेशंस हेड नीतीश भूषण ने बताया कि हमने ड्राइवरों से बात करके फीडबैक लिया है। हम समझते हैं मौजूदा वक्त में तेल की कीमतें चिंता पैदा कर रही हैं। ड्राइवरों को ऐसे वक्त में राहत पहुंचाने के लिए उबर ने दिल्ली NCR में 12% तक किराया बढ़ा दिया है। आने वाले हफ्तों में हम तेल की कीमतों पर नज़र रखेंगे और ज़रूरत के हिसाब से फैसला करेंगे। बता दें कि दिल्ली में CNG इन दिनों 69.11 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, जबकि 7 मार्च को यही कीमत 63 रुपये के करीब थी, जबकि ग्रेटर नोएडा और गाज़ियाबाद में CNG 71 रुपये के हिसाब से बिक रही है। इसके अलावा गुरुग्राम की बात करें तो 77.44 रुपये प्रति किलो बिक रही है। बात डीजल पेट्रोल की करें तो बीते कुछ दिनों से दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन 22 मार्च से अब तक किस्तों में करीब 10 रुपए दाम बढ़ चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।